जी तो मैं पूरी तमाम YouTube फैमिली से गुजारिश करता हूँ, और जो सितारा मेरी वाइफ के जो सब्सक्राइबर हैं, जो चाहने वाले हैं उसके, उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वाइफ सितारा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जल्द से याब करे और दोबारा से वो खुश। अस्सलाम वालेकुम तमाम YouTube फैमिली, मेरे सपोर्टर जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो आपने ये जो क्लिप देखा अभी, माशाल्लाह कितने प्यार से कह रहा है कि मेरे सितारा के चाहने वाले परेशान ना हों, आपके लिए वीडियोस आएंगी, आपके लिए अच्छी व्लॉगिंग होगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओ भाई तुम्हारे भी लोग नहीं आ रहे, तुम्हारी वीडियोस नहीं आ रही, लोगों के तो कारोबार रुक गए हैं, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, लोग बेचारे रात को 20 दफ़ा उठ के देखते हैं कि यार कहीं सितारा की वीडियो तो नहीं आ गई, साजिद अमीन की वीडियो तो नहीं आ गई। अरे भाई क्यों इस तरह करते हैं, और अमीर लोगों को, बड़े लोगों को ऊपर ही ले कर जाते हैं। और मैं आज ये सच बात करने लगा हूँ कि जो फेमस लोग हो जाते हैं, अमीर लोग हो जाते हैं, उनको लोग सपोर्ट करते हैं, और जो मुझ जैसे गरीब होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, जो हक की बात करते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, जो बेचारे पता नहीं कितने परेशान हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने चैनल बनाया, उनको सपोर्ट नहीं करते। मैं अपनी बात नहीं करता, ठीक है। तो ये जो इसने अब ये क्लिप लगाया है, ये जो मैंने क्लिप इसका लगाया अपने चैनल पर कि भाई मेरी बीवी के, मेरे सितारा के चाहने वाले आप परेशान ना हो, वो भाई तेरी बीवी की वीडियो देखने के लिए तो लोग तो परेशान हो गए हैं, लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, रोड पे चलते हुए उनका इतना दिमाग ख़राब हो गया कि वो मारते हैं लोगों को। आपने फेमस लोगों को फेमस ही कर दिया है क्योंकि उनके पास चंद पैसे हैं, गाड़ी हैं, बंगला है, इसीलिए आप उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप उनके हक में बोलते हैं, उनकी फेवर करते हैं, वो झूठे भी हैं फिर भी आप उनका साथ देते हैं। अरे भाई इस तरह क्यों करते हो, हम भी तो हैं, हमारा भी साथ दें, हमारी भी सपोर्ट करें। मैंने ये देखा है कि जो फेमस है, जो जो चैनल पे चढ़ गया, जो मशहूर हो गया, सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हैं बस, और किसी को सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई ये जो क्लिप मैंने आपको लगा के दिखाया है, ये जो सितारा यासीन का जो खावंद है साजिद अमीन, कितने फ़ख्र से कह रहा है कि सितारा के चाहने वाले, अब चाहने वाले ये जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किया है, अब मुझे ये बताएं इसको ये इस्तेमाल नाम इस्तेमाल करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। मैंने इसकी जब ये क्लिप पे वीडियो देखी, मैंने कहा वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, आप परेशान ना हो, ऐसे धड़ल्ले से कह रहा है जिसने, लोग तो भाई पागल हो गए हैं उसकी वीडियो देखने के लिए, बेताब हो गए हैं लोग रो रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। अरे भाई तू इस तरह की हरकतें क्यों करता है भाई, कोई सोच समझ के बात किया कर, ठीक है। माना कि तेरी बीवी का चैनल चला है, ठीक है, माना कि उसको तरक्की मिली है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं, लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन तू इस तरह तो ना कहना यूट्यूब के ऊपर आके कि सितारा के चाहने वाले आप परेशान ना हो, यार ये क्या बात है, ये कोई करने की बात है। तो मेरा भाई सोच समझ के बोला कर, और भाई आप सबसे गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को, जो फेमस लोगों को, उन्हीं को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, आप दूसरों को भी सपोर्ट कीजिएगा ना, आप दूसरों को भी सपोर्ट करें। और जो सितारा के सपोर्टर हैं वो जो बोलते हैं कि भाई आप बोल रहे हो ये है वो, पता नहीं क्या तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, अरे भाई इस तरह की हरकतें ना किया करो, ठीक है। हमें कोई किसी से कोई जेलिस नहीं है, जिसके पास हमें मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमें क्या उससे, दुनिया में कितने लोग हैं, कितने चैनल हैं, हम उनसे तो जेलिस नहीं होते ना, हमने कभी जेलिसी ली है, तो हमने इससे जेलिस होकर क्या करना, जिनके 20-20 मिलियन 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इतने ही उनके व्यूज़ हैं, हम उनसे जेलिस नहीं होते, तो हमने इससे जेलिस होना है। ये हरकतें ही ऐसी करते हैं भाई, क्या करें फिर, ये ऐसी वीडियोज़ ही ऐसे बनाते हैं, तो हम क्या करें मुझे ये बताएं। तो इसीलिए कि जो फेमस लोग हैं, जिन्होंने फेमस फेम ले लिया है, जितने से सब्सक्राइबर हो, उनके अलावा दूसरे बेचारों का भी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट करें भाई, क्या हो गया आपको। अब मैंने जो ये सपोर्ट की बात की है, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये वीडियोस बनाता है सपोर्ट के लिए बना रहा है ये वो, अरे भाई आपका दिल ना करे ना करे सपोर्ट, लेकिन हक की बात तो करें। अब हर बात में उन्हीं का साथ देते हो,
सच हक पे भी चलो जो उनके सपोर्टर हैं। अब मुझे, मैंने जो कोसर के लिए आवाज़ उठाई थी, कोसर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैं आपके पास प्रूफ लेके आऊँगा। आप कह रहे होगे कि ये हर बारी वीडियो में कहता है, लाइव में कहता है, वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ये है वो है। अब मैं अगली बारी आपको प्रूफ लेके आऊँगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगली वीडियो में मैं प्रूफ लेके आने वाला हूँ, ठीक है? तब आपने इंसाफ करना है। और लोग कैसे किसी को दबाते हैं, लोग कैसे किसी को वो करते हैं कि यार इसको दबाए नीचे, ये चुप रहे, ये बोले ना हक की आवाज़, हमारी बदनामी ना हो, ये ना वो ना। बदनामी सोचने से पहले लोग हरकतें भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिस तरह की हरकतें तुमने की हैं। अगली बारी मैं प्रूफ वीडियो के साथ लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा जितनी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।